मेरी पिक्चर जाए उनको पता लगे कि माता जी ने क्या लिखा है। वो तो मैंने कर दिया है, नाम आ जाता है तो उनको पता लग जाएगा किस किसने ज्वाइन किया है। मेरे मैं लैपटॉप में आता है क्या कर रहा। हाँ अब आ गया। एक इधर होता है उसके आते लिखा एक सेकंड एक सेकंड। ऐसा आएगी तो ऐसे बन गई। नहीं तो सुनूंगी कैसे। ओम शांति। आज हम बाबा की मुरली को रिवाइज करेंगे। मुरली नहीं है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं मुरली के, जिसमें बाबा ने हम बच्चों से अपनी आश रखी है, क्योंकि अभी अव्यक्त मास चल रहा है। तो अव्यक्त मास में बाबा की हम बच्चों से क्या आश है, विशेष ब्रह्मा बाबा की हम बच्चों से क्या आश है, तो वो आश हम सुनेंगे और पुरुषार्थ करेंगे कि इस अव्यक्त मास में, तपस्या मास में, हम अपने अंदर वो धारणाएं लाएं। तो बाबा की ये जो मुरली है, सभी ने ज्वाइन किया है, मैं देख रही हूँ सभी, अगर वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है ना। किरण बहन है, अद्वित्य है, गीता बहन है, द्रौपदी माता है, कुंती बहन है, कोई आईफोन है, मोनिका बहन, नीता बहन, नेहा बहन, प्रवीण बहन, रविंदर कौर और रेनु बहन, और सावित्री बहन है, बीना चोपड़ा है, सीमा मेहरा है और सुनीता अरोरा है। तो एक बार मैं सभी को अनम्यूट करा है,
तो सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। हाँ ओम शांति। वीडियो ऑन होते हैं तो समझ। हाँ ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम शांति कुशल पाल भाई, शिव कुमार भाई, है ना। ओम शांति दीदी। हाँ द्रौपदी माता जी ओम शांति। तो ये जो बाबा की मुरली है, इस मुरली में ऑफलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साक्षी बहन आई है, लीला बहन आई है। तो अभी हम ये मुरली जो है ये सुनेंगे, थोड़े से मुरली के पॉइंट है, पूरी मुरली नहीं है, उसमें से थोड़ा असेंस है, जिसमें बाबा ने समाज की दुनिया की दुर्दशा बताई है कि इस समय दुनिया की क्या हालत है और हमें क्या करना है। सभी म्यूट कर लें, जब बोलना हो तो अनम्यूट करें, नहीं तो वो बीच में सुनाई देता है। तो बाबा की ये 75 में बाबा ने बोला है, जो आज हम रिवाइज कर रहे हैं, ये 1975 में बाबा ने बोला है। तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि आज वृक्षपति, वृक्षपति है शिव बाबा, और आदि देव ब्रह्मा बाबा दोनों ही अपने वृक्ष को देख रेख करने गए, अपने वृक्ष को। वृक्ष कौन सा है? यही दुनिया, ये बाबा का पूरा वृक्ष है। तो देख रेख करने गए आदि देव, जो आदि देव है अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप, वह कौन है? ब्रह्मा बाबा, है ना। ने जब वृक्ष को चारों ओर से देखा तो क्या देखा? हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो गया है, लेकिन मेजॉरिटी पत्तों को बीमारी लगी हुई है ना, सब बीमार है पत्ते ना? वो दिखता है आपको ना? जिससे उस पत्ते का रंग रूप बदला हुआ है, अर्थात रौनक बदली हुई है। एक तरफ राज्य सत्ता को देखा, दूसरी तरफ धर्म सत्ता को देखा, तीसरी तरफ भक्ति की सत्ता, और चौथी तरफ प्रजा की सत्ता ना। पहले हम ये बाबा के महावाक्य सुनेंगे, फिर आप अपने विचार उस पर देना। ये चारों ही सत्ताएं बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन खोखली दिखाई, अंदर खाली, बाहर से सिर्फ रूप रहा हुआ था, जैसे दीमक लगती है तो अंदर से खाया हुआ होता है, सिर्फ बाहर का रूप ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं, ये बाबा राज्य सत्ता की बता रहा है। नाम राज्य, लेकिन अंदर दिन रात एक दूसरे में खींचा था, अर्थात ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। अब है राज्य सत्ता, लेकिन वो आपस में ही ईर्ष्या कर रहे हैं, ये बाबा ऊपर से देख रहा है। राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन एक मिनट भी चैन नहीं, नींद का भी उनको चैन नहीं है। जो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट, संकल्पों को समाने का साधन, निद्रा का नियम बनाया हुआ है, वह अल्प काल का भी चैन उनके भाग्य में नहीं। किनके? राज्य सत्ता, ये जो मंत्री मंडल है, अर्थात भाग्यहीन राज्य। ना राज्य सत्ता, ना राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता। जो खुद ही बाबा कहते ऐसे हैं, वो प्रजा को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा सत्ताहीन राज्य देखा। सदा भय के बीच, भय के भूतों के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ देखा, है ना। भयभीत हो रखे हैं, है ना, राज्य सत्ता वाले बहुत भयभीत है और कुर्सी पर तो बैठे हैं। ये देखते हुए फिर और तरफ क्या देखा? अब ये राजा बाबा ने राज्य सत्ता का हाल देखा, फिर बाबा धर्म सत्ता के
जो आज बड़े बड़े हैं उनको देखने गए। धर्म सत्ता में कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन सत्तों को बहुत जल्दी मना आया नाम हुआ, लेकिन बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्वाभिमान और सिद्धि स्वीकार की चिड़िया खा रही थी, क्योंकि उनको बहुत नामाचार मिल रहा, बहुत प्रेज मिल रही है ना, वाह वाह कर रही दुनिया धर्म सत्ता वालों की, उनके पैर छू रहे तो उनके अंदर अहंकार आ रहा है। दूसरी तरफ क्या देखा कि नाम धर्म है, लेकिन एक तो बाबा कह रहे हैं कि धर्म सत्ता वाले जो नए पत्ते हैं जिनमें थोड़ी ताकत है वो बहुत जल्दी ही अहंकार की चिड़िया उनको खा रही है, और दूसरी तरफ क्या देखा जो पुराने धर्म सत्ता के बैठे हैं अति कुकर्म, धर्म सत्ता अति कुकर्म कर रही है, कुकर्म अर्थात विकर्म का कीड़ा उन्हों की धर्म सत्ता अर्थात शक्ति को खत्म कर रहा है। धर्म सत्ता का भाव बता रहे, क्योंकि अनेक प्रकार के उल्टे नशों में चूर हैं, धर्म के होश से तो वो बेहोश ही थे, धर्म सत्ता वाले खुद ही जो माना बड़े बड़े धर्म के हैं वो खुद ही बेहोश हैं, तो धर्म सत्ता भी बाहर के आडंबर रूप में देखी। त्याग तपस्या जो माना धर्म सत्ता के फाउंडेशन है, और वैराग्य के बदले क्या कर रहे हैं, ना उनके अंदर त्याग है ना तपस्या है ना कोई वैराग्य है, लोगों को रिद्धियां सिद्धियों के खेल दिखा रहे हैं। ये बाबा ने धर्म सत्ता आप भी देख रहे हैं ऐसे, वैराग्य के बजाय राग द्वेष में देखा, मेजॉरिटी जैसे राज्य सत्ता लॉटरी की जुआ खेल रही, वैसे ही वह धर्म सत्ता होते हुए भी है धर्म सत्ता, भूले भक्तों से भूले ना भूले भाले भक्तों से अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रहे थे, उनको कुछ दिखाकर पैसे लूट रहे हैं, बड़े बड़े दाव लगा रहे हैं, ये प्राप्त करा दूंगा तो इतना देना होगा। रिलेट कर पा रहे हैं ना, ये प्राप्त करा दूंगा इतना देना होगा, बीमारी को मटाएंगे तो इतना दान पुण्य करना होगा, ये धर्म सत्ता ऐसी सिद्धियों के जुआ के दाव लगा रहे हैं। तो बाबा जो वृक्षपति है वो अपने वृक्ष को देख रहा है कि मेरे बच्चे मैंने इनको राज्य के लिए भेजा सीट दी और ये क्या कर रहे हैं ईर्ष्या, और धर्म सत्ता को बोला धर्म संभालो तो ये क्या है। फिर बाबा की नजर गई भक्ति की सत्ता पे, उसमें क्या देखा भगत कैसे हैं, अंधश्रद्धा की पट्टियां आंखों पर बंधी हुई और ढूंढ रहे हैं मंजिल को, ये खेल देखा है ना, जो आंखों पर पट्टी बंधे हुए होते हैं तो फिर रास्ता कैसे ढूंढते हैं, जहां से आवाज आएगा वहां चल पड़ेंगे, अंदर घबराहट होगी क्योंकि आंखों पर तो पट्टी है, वरना कहीं भी देखा यहां से मनोकामना पूरी हो रही है आवाज हुई भगत उस तरफ भागने लग जाते हैं, अच्छा वहां कुछ हुआ तो वहां भाग रहे। बाबा कहते ये देखा तो भगत भी अंदर से दुख अशांति से घबरा रहे हैं, जहां से कोई आवाज सुनते हैं कि फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्ति कराती है तो उस आवाज के पीछे अंधश्रद्धा में भाग रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। दूसरी तरफ गुड़ियों के खेल में इतने मस्त कि यदि कोई घर का सही रास्ता भी बताए परमधाम का तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ये धर्म सत्ता का हाल। भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की भक्तों का हाल, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई है, भगवान से स्नेह जो है स्वार्थ में बदल गया है, स्वार्थ का बोल बोला जाता है, सब स्वार्थ के भिखारी दिखाई दिए। बाबा कहते मेरे आगे कैसे आ रहे, भक्ति कैसे कर रहे, स्वार्थ से, शांति दो सुख दो संबंधी की आयु बड़ी कर दो संपत्ति में वृद्धि कर दो यह दे दो यह दे दो वह दे दो, ऐसे भीख मांगने वाले भिखारी देखे,
भगत मेरे और कैसे भिखारी, तो भक्तों को भिखारी रूप में देखा है ना। तो सुना राज्य सत्ता, धर्म सत्ता और भक्तों की सत्ता। आगे चलो, और कौन सी सत्ता है? प्रजा की सत्ता। प्रजा में क्या देखा? सभी चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं और कोई कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव ये भय का संकल्प है कि अभी तीली अर्थात आग लगी की लगी। संकल्पों में स्वप्न माफिक ये दिखाई देता रहता है कि अभी पकड़े गए कि पकड़े गए, कभी राज्य सत्ता द्वारा कि भाई इनकम टैक्स का डर कि अभी रेट पड़ेगी हम पकड़े जाएंगे, कभी किसका चिंता, प्राकृतिक आपदाओं की चिंता कि कहीं अर्थक्वेक आ जाएगा ये आ जाएगा, कभी डाकुओं द्वारा कोई मुझे लूट ना ले। ऐसे ही संकल्पों में स्वप्न देखते रहे, ये प्रजा का हाल है, चिंता। ऐसी चिंताओं की चिता पर सवार परेशान दुखी और अशांत थे, जो कोई रास्ता नजर ना आए जिससे अपने को बचा सके, वहां जाए तो आग वहां जाए तो पानी। ऐसे चारों ओर की टेंशन के बीच घबराए हुए नजर आ रहे थे, ये आज का सैर किया बाबा ने। जब ये सैर कर लौटे तो नए वृक्ष की कलम को देखा। अब वो कौन है? हम बच्चे। कलम में कौन थे? आप सभी अपने को कलम में समझते हो? यहाँ पर ऑनलाइन जो जूम पर जुड़े हैं, बाबा पूछता है आप बाबा के नए वृक्ष के कलम में अपने को समझते हो? हाँ। सभी समझते हो? समझते हो? हाँ जी, हाँ जी, सबने हाँ बोला। हाँ जी दीदी, हाँ जी, हाँ जी, समझते हैं। शिवम नाम है ना? शिवम, ठीक है। तो अभी अभी सुनो, अब हमारी ड्यूटी क्या है? जब पुराने वृक्ष को बीमारी लग गई है, जड़ जड़ी भूत हो गया है, तो अब नया वृक्षारोपण आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होगा। ब्राह्मण है ही नए वृक्ष की जड़े अर्थात फाउंडेशन। आप हो फाउंडेशन, आप हो ना फाउंडेशन। तो देखा कि फाउंडेशन कितना पावरफुल निमित्त बना हुआ है। फाउंडेशन को देखा ना, आप सब फाउंडेशन में हो ना, तो ना फाउंडेशन कितना पावरफुल निमित्त बना हुआ है। ब्रह्मा बाप को चारों ओर की दुर्दशा देखते हुए संकल्प आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर ले। ये ब्रह्मा बाबा को संकल्प आया है कि चारों तरफ तो ये धर्म सत्ता, राज सत्ता, भक्ति की सत्ता, प्रजा की सत्ता का जड़जड़ी भूत अवस्था है, सब बीमार है, तो ये वृक्ष को भस्म कर ले। इतने में तपस्वी रूप ब्राह्मण व रूहानी सेना इमर्ज की ब्रह्मा बाबा ने वतन में। तो इमर्ज हुए आप सब बाबा के साथ, सेना है ना बाबा की, क्योंकि हमारे ऊपर अब सारी दुनिया की जिम्मेवारी अब हमारे ऊपर है, क्योंकि बाकी सब सत्ताओं का आपको समाचार बाबा ने, समझ में आ गया ना समाचार? वो विश्व के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना, यही सब कर रहे हैं, या लूट रहे हैं। बाबा कहते किसी को भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमको, हमारे ऊपर अब जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा कि वो इमर्ज हुए तपस्वी रूप में, तो इतने में तपस्वी रूप ब्राह्मण व रूहानी सेना इमर्ज, सब तपस्वी रूप में अपने अपने यथाशक्ति फोर्स लगा रहे थे। योग अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी,
संगठन रूप में योग अग्नि का प्रभाव अच्छा जरूर था, लेकिन विश्व के विनाश अर्थात विशाल रूप नहीं था। फोर्स था लेकिन फुल फोर्स नहीं था, अर्थात सर्व ब्राह्मणों के नंबर अनुसार यथा शक्ति फुल स्टेज जो हर ब्राह्मण को अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्ण अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करनी थी, उसमें फुल नहीं थे अर्थात संपन्न नहीं थे, है ना, योग अग्नि की कमी, क्योंकि योग अग्नि से ही परिवर्तन होगा ना, तो बाबा ने कहा उतनी नहीं थी, इसलिए फुल फोर्स नहीं था। जो एक धक से विनाश हो जाए वह पुराना विष वसम हो जाए, तो अब आप क्या करेंगे? ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ, बाप स्नेही बन इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो, लेकिन कब नहीं, है ना, कब नहीं, अभी से ही, ये नहीं कर लेंगे कब कर लेंगे, अभी से ही संपन्न स्वयं को संपन्न बनाओ, समझा ना? तो ये बाबा के महावाक्य थे ना, तो ये महावाक्य सुनने के बाद अभी हम सबको क्या करना है, योग अग्नि तीव्र करनी, योग अग्नि को बढ़ाना है ना। तो सभी ये मास ये लक्ष्य रखे कि हम ब्रह्मा बाबा का ये संकल्प जो बाबा ने हमसे उम्मीद रखी है कि हम बच्चे जो हैं, क्योंकि कोई बाबा को नजर नहीं आ रहा, ना राज सत्ता में एक भी आत्मा नहीं है, वो हम सब जानते हैं, ना धर्म सत्ता में एक भी आत्मा नहीं है, है ना। भक्ति बाबा कह रहे भगत भी अब स्वार्थी हो गए हैं, और प्रजा तो चिंता में डूबी हुई है, और राज सत्ता ईर्ष्या कर रही है, वो कुर्सी के लिए पीछे भाग रहे हैं, वो प्रजा का क्या देखेंगे, और धर्म सत्ता वाले या तो अभिमान में आ गए हैं या लूट रहे हैं, भोले भाले भक्तों को लूट रहे हैं। तो बाबा कहते इस समय अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, ठीक है। तो अभी हम यही लक्ष्य रखे कि हम पावरफुल योग करें, योग अग्नि जलाएं, ये बाबा की हमसे उम्मीद है। तो सभी क्या कहते हैं, ऑनलाइन जो जुड़े हैं उनको क्या विचार आ रहा है, आप अपना विचार शेयर कर सकते हैं। बोलिए, करेंगे अपना आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और फिर समाज और सर्विस को अपना ज्यादा ज्यादा बढ़ाएंगे। हाँ, और किसी को क्या संकल्प आ रहा है, कोई आइडिया आ रहा है कि हम कैसे समाज की सेवा करें? जो बाबा दीदी बाबा ने मुरली में बोला था इस बारी कि सफल करो और सफलता को पाओ, तो कुछ भी है मनसा वाचा कर्मना सब सफल करना है और सफलता को पाना है, और पॉजिटिविटी चारों ओर तरफ और बढ़ानी है। और बाबा ने कहा था कि इस बार वाइब्रेशन से सेवा फैलानी, जितने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिलके सबके साथ संगठित रूप में फैलाएंगे तो जल्दी आवाज पहुंचेगा, लोगों को फील होगा जल्दी। शांति की स्थिति में रहकर और फरिश्ता बनके सबकी सेवा करनी है, और सबको प्रेम और पवित्रता और सुख के वाइब्रेशन देके उनके जीवन को नव निर्माण करके उनके मन की स्थिति को बदल के उनको नई दिशा दिखा सकते हैं जी, योग अग्नि से। बहुत अच्छा। और इस समय दीदी जैसे विश्व पूरे विश्व जो सफर कर रहा है इस समय, जैसे हर तरफ है शांति है, तो हम सब यही जो भी हमारे संबंध संपर्क में जैसे जो भी आत्माएं आती है, यही हम जैसे बाबा कहते हैं कि हमें उनको एक आत्मिक भाव से देखकर कि
मनसा से, वाचा से, कर्मना से हमें उनको वो वाइब्रेशन और बाबा के खजानों को लुटाना है जी, ज्यादा से ज्यादा जैसे भी हो सके। हम जैसे बाबा हमें विश्व कल्याणकारी में बोलता है, तो अपने कर्म में, अपने हर किसी एक्ट में हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बहुत अच्छा। और किसी को समझ कुछ बोलना है? किरण बहन लिख रही है कि योग का टाइम बढ़ाना है और योग को शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति दीदी, रेनू बोल रही हूँ। दीदी, जैसे उस दिन बाबा ने मुरली में कहा था कि अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी वाइब्रेशंस ऐसे बनाओ कि उसी से आपकी सेवा हो, तो हम अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा योग और सारी धारणाओं का पालन करें। उसके लिए कोई प्लान, कोई आइडिया आता है कि क्या हम विधि बनाएं कुछ ऐसा ये इस अव्यक्त मास में, माना कुछ संगठित रूप में हम पुरुषार्थ करें ऐसा? जी बिल्कुल, मिलकर करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम सेंटर पर दें, संगठित रूप से योग करें और सेंटर पर आकर के ज्यादा समय योग करें संगठित रूप से। घर में वाइब्रेशन नहीं मिलते हैं, योग नहीं लगता, लगता नहीं है योग। सेंटर पर आकर संगठित रूप से योग करें। इसमें जितना हम कमा सकते हैं हम कमाएंगे, तभी तो हम आगे दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी स्थिति बनाए सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए योग अग्नि, योग भी हमारा पावरफुल हो, उसके लिए आपको जो है, जो मुझे आता है संकल्प, वो मैं आप सबको, जसबीर भाई आपको कोई संकल्प आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमें? दुनिया में दुख तो बहुत बढ़ रहा है और बाबा कह रहे हैं आपको पूरे विश्व को हेल्प करनी है सूक्ष्म में, तो आपको क्या संकल्प आता है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने अंदर की जो विकारों में वो हम अपने क्लियर करें, हमारे आते हैं कल विचार, विचारों को शुद्धता लाए, शुद्ध करना और कुछ करना, अपने आप को साफ सुथरा करें। हाँ, स्व से विश्व परिवर्तन होगा ना। तो मैं ये समझती हूँ कि एक तो हम स्व के लिए एक अटेंशन रखें कि हमें स्व के ऊपर जो है बहुत अटेंशन रखना है, अर्थात कि जो बाबा कहता है, जो बाबा ने उस दिन भी कहा, अभिमान मेन जड़ तो अभिमान ही है ना, रूट वही है, अभिमान ही आता है, दे अभिमान ही आता है तो बाकी विकार आते हैं। व्यर्थ संकल्प भी तभी आते हैं जब हमारा अभिमान जागृत होता है। तो उसके लिए एक तो हम ये अपने अंदर पूरा अटेंशन रखें कि हमें किस देही अभिमानी होकर रहना, कोई भी आत्मा आ जाए उसके प्रति हमारे को जैसे ही अभिमान आए तो अपने अभिमान को तो मारना है, खत्म करना है बिल्कुल। कुछ भी हो जाए मेरे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, देह भान नहीं आना चाहिए, चाहे वो मोह के रूप में आता है, क्रोध के रूप में अभिमान जागृत होता है, माना अपने अंदर की शुद्धता, उसी से ही स्थिति भी बनेगी, वाइब्रेशन भी बनेंगे, तब हमारा योग पावरफुल हो सकता है। अगर मेरी अवस्था ही नहीं है तो मैं कितना भी योग लगा लूं, मेरा योग ज्वालामुखी योग नहीं लगेगा, वो बार बार मेरा मन जो है वो भटके। कईयों का ऐसा होता है, लेकिन बाबा कहता है कर्म योग है तो आंखें खोल के करना है। कोई बात नहीं, जिसको जैसे लगे कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है, लेकिन बाबा की है तो इसीलिए। तो लेकिन अपनी स्थिति स्ट्रॉन्ग बनाओ, अवस्था बहुत अच्छी बनो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी किचड़ ना हो, व्यर्थ का भी किचड़ा ना हो, ये अटेंशन रखें। व्यर्थ संकल्प भी आए तो एकदम उसको लेट गो करो कि नहीं मुझे नहीं सोचना है, मुझे जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई
अशुद्धता आती है तो हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, है ना, कीचड़ भी लगता है तो साफ करते हैं। तो स्थिति अपनी बहुत अच्छी बनाओ, और उसके लिए अपना मैं और मेरा का जो बाबा ने कहा है, तो वो वाइब्रेशन भी जो आप सब कह रहे हैं, स्थिति से वाइब्रेशन की सेवा भी होगी, मनसा सेवा भी होगी, व्यवहार में भी आपको जो है एक दूसरे के साथ व्यवहार भी अच्छा होगा, तो वो भी ऑटोमेटिकली उनको आप संतुष्ट कर पाएंगे, तो सब कुछ होगा ना। तो सब अपनी अवस्था बनाएंगे अच्छी इस मास, अपनी अवस्था पर ध्यान दें, अवस्था बहुत अच्छी बनाओ अपनी, एकदम जैसे कि मैं फरिश्ता हूं, जैसे बाबा ने कहा कि मैं एकदम जैसे मेरा, माना किसी के प्रति कोई भी हमारे अंदर कोई, जिसको बाबा ने उस दिन भी कहा क्षमा कर दो, कोई मेरे साथ बुरा भी कर रहा है, कोई कैसा भी है, बीती को बीती कर सबसे पहले सबको क्षमा करके अपने को हल्का करो, उसके प्रति संकल्प नहीं चलाओ इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, एकदम लाइट डबल लाइट फरिश्ता, ये लक्ष्य रखो कि इस मास में मुझे बस फरिश्ता बन के रहना। ठीक है, सभी करेंगे, ठीक है, ओके।